तो गाइस ये है पूरी प्लेट, इसमें दाल गोश और कचुम्बर सलाद। तो कैसा बना अम्मी दाल गोश? मस्त बना ना। और मैंने वो शाहाना बावर्ची कैटरेस अभी मैं खोलने वाली, अभी मैं खोलने वाली हूँ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। शेख सिस्टर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं फिर आ गई एक और रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ दाल गोश, जो कि समीर की फरमाइश पे। आज समीर बहुत दिन बाद घर पे आया है, काम पे था वो इतने दिन से, बहुत दिन बाद आया, उसे दाल गोश खाना था। तो चलो फिर दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ली हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज ले ली हूँ, 3 से 4 प्याज है, बट मैं पूरा नहीं डालूँगी, आधा रखूँगी सैल कचुम्बर के लिए। यहाँ पे दूधी ले ली हूँ मैंने, आधा किलो जितना, आधे किलो से थोड़ा ऊपर ही होगी। गोश भी आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है। और यहाँ पर टमाटर मैंने 3.5 टमाटर काटी हूँ, आधा रखती हूँ। और यहाँ पर मैं दाल बॉईल करके रखती हूँ। मैंने सिर्फ मैं येलो मतलब तुअर और मसूर की दाल का ही बनाती हूँ, मैं चने की दाल हम लोग को हज़म नहीं होती किसी को। तो बस अब फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंने यहाँ पर कुकर ले ली हूँ, अभी हम लोग फटाफट से इसमें सारा गोश डाल देंगे। और गाइस, ये येलो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर मेरी नानी ने वो सेंग उबाले थे, तो उसमें ज़्यादा हल्दी डाल दी थी मेरी नानी ने, तो इसलिए येलो हो गया। तो अब इसमें फटाफट से सारा गोश ऐड कर देंगे और साथ ही साथ प्याज भी ऐड कर देंगे। साथ ही साथ टमाटर भी ऐड कर देंगे इसमें, और साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। अजान हो रही है गाइस, 3 चम्मच डाली मैंने भर भर के। गाइस, इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे, और धनिया पाउडर अभी नहीं डालेंगे, मैं बाद में डालूँगी, बताऊँगी कब, ये भी डाल देंगे पूरा। सो गाइस, अभी इसमें तेल भी ऐड कर देंगे 3 चम्मच, 1 चम्मच मैं पहले डाल चुकी हूँ, 2 चम्मच हो चुका है, मतलब अभी मैं तीसरा डाल रही हूँ। बस अब इसको चढ़ा देंगे पानी डाल के थोड़ा सा। गाइस, मैंने इसको रख दी हूँ सीटी लगाने के लिए, गोश्त गले तक इसको पका लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे। सो गाइस, गोश्त तो माशाल्लाह गल गया है अपना। अब हम इसके अंदर, अब इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये दूधी डाल के इसको और पकाएंगे तेल छूटे तक, तो दूधी भी पक जाएंगे और अपना तेल भी आ जाएगा ऊपर, है ना। सो गाइस, पहले मैंने ये सब नहीं डाली थी धनिया पाउडर, तो अब हम डालेंगे जब ये गोश्त थोड़ा पक चुका है। अब इसके अंदर धनिया पाउडर और दालचीनी, ज़ीरा, तेज़पत्ता और इलायची, ये सब डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। और गाइस, साथ ही साथ दूधी भी छोड़ देंगे ताकि वो पानी उसमें है थोड़ा, तो उसी में पक जाए दूधी भी, ये सब कुछ। तो दूधी अब इसको मिक्स कर देंगे। गाइस, मैंने दाल गोश का मसाला मंगाई थी शाही का। मैं डालती नहीं हूँ ज़्यादा मसाले, मैं बाहर की यूज़ नहीं करती, बट आज मैं दिल कर रहा है तो मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा। अभी मैं ये भी डाल देती हूँ आधा पकेट। मैं सोच रही हूँ एक सीटी लगा लूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसे रख कर उसको गलाने में, तो सोच रही हूँ एक सीटी लेके ही फिर जो भी है पानी उसका ये मसाले। सो गाइस, दाल गोश बनने और साथ में ज़ीरा राइस ना बने तो नाइंसाफ़ी है। तो मैंने एक वो जो प्याज बचाई थी वो और ज़ीरा डाल के मैंने यहाँ पर तेल में गरम कर लियो, और यहाँ पर चावल धो लियो। अब ये भी मैं फटाफट ज़ीरा राइस बघार देती हूँ ताकि साथ ही में हो जाए दोनों खाना। सो गाइस, बहुत दिन बाद दाल गोश इसलिए बन रहा है घर में क्योंकि आज अम्मी भी आ रहे हैं अजमेर से, मतलब आज घर में सब साथ में है। जैसे मैं, नानी, नम्मो, हम तीनों ही रहते थे तो हम लोग कुछ भी बना के खा लेते थे, भाजी की रोटी ना नानी कैसा ये सब बनाओ तो सब जन रहे तो अच्छा, जैसे पुलाव हो गया, दाल गोश हो गया, कोरमा हो गया, बिरयानी हो गया। तो घर में घर हाँ, समीर 1 हफ्ते बाद आया, वो काम पे ही था उसके, तो वो 1 हफ्ते बाद आया, तो मैं चलो समीर भी है, अम्मी भी आ रहे हैं अजमेर से, तो मैं चलो दाल गोश बना लेती हूँ। कल की खीर भी है, कल गरीब नवाज के नाम से फातिया दिए थे तो वो खीर भी है, तो बोली मीठा भी है, तो चलो आज तो फुल दावत हो जाएगी घर में ना, खीर भी, दाल गोश, ज़ीरा राइस मजा आ जाएगी। तो इसलिए आज हम लोग ने ऐसा सोचे कि दाल गोश बनाते। तो गाइस, ये देखो माशाल्लाह, अभी मैं खोली कुकर और दूधी भी गल गई है और तरी भी देखो आ गई है ऊपर। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे पतीली में क्योंकि कुकर में ये दाल भी ज़्यादा है तो एक साथ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं अभी बड़े वाले पतीली में इसको वो कर दूँगी, खाली कर दूँगी। सो गाइस, देखो माशाल्लाह अच्छा खासा मसाला बन गया हमारा। अब इसके अंदर मैं दाल ऐड करके उसको मिक्स करके बॉयल करने रख दूँगी।
सो गाइज ये देखो मैंने दाल भी ऐड कर दी हूँ, अब ये पकेगा अच्छे से। उसके बाद अभी मैं साथ ही साथ ये भी डाल दूँगी इमली का पानी इसके अंदर, तो पका लेंगे अच्छे से, फिर एंड में डालेंगे कोथमीर पुदीना। सो गाइज ये इमली का पानी भी ऐड कर देंगे जो कि पतला है, डाल देते तो अभी इसको मिक्स कर देंगे। दूधी थोड़ी ज़्यादा गल गई गाइज मेरे से, बट कोई नहीं होता है। अब इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे गाइस थोड़ा सा। गाइस ये देखिए गरम मसाला पाउडर ऐड कर चुकी हूँ, और पता नहीं क्यों अभी तक उबाल ही नहीं आ रहा है, अभी तक कब से रखी हूँ। हाँ इसी नाम नहीं देखो आने लगा है ना। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे, गार्निश कर देंगे हमारा पुदीना कोथमीर, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डालेंगे गाइस, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है कड़ी पत्ते का है ना। और गाइस मैं आप लोग बोलेंगे इतना सारा मैं बनाई वो इसलिए क्योंकि मैं अब मनोरी जाऊंगी, तो मेरे भाई के लिए मैं लेकर जाऊंगी, भाई के लिए भाभी के लिए सबके लिए मैं लेकर जाऊंगी डब्बा भर के उन लोग के लिए भी, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाई। गाइस यहाँ पर कोथमीर पुदीना मिर्ची सब ऐड कर दी हूँ, गार्निश कर दी हूँ, बस ये उबल जाए फिर मैं बंद कर दूंगी। मतलब दाल गोश हमारा रेडी हो चुका है, लग रहा था नीचे यार। गाइस दस्तर लग चुका है और अम्मी भी आ गए अजमेर से। तो कैसा बना अम्मी दाल गोश? मस्त बना ना। और मैंने वो मसूर की दाल और वो चने की दाल नहीं है, मसूर और तुअरी चे वही तो मैंने ज़्यादा बनाई, अभी मैं डब्बा भर दूंगी भाई के लिए, तो अभी हम लोग भी खाते हैं। तो गाइस ये है पूरी प्लेट, इसमें दाल गोश और कचुम्बर सलाड। नानी को देख बोटिया चुन रही है उसमें से। बोटिया नहीं, हाँ सही में अच्छा बना है। तो झूठ कौन बोल रहा है, सही में अच्छा बन रहा है। मैं समीर का वेट कर हुआ आएगा तो खाएंगे हम लोग। जी आया है 4 बजे, कब से 1:30 बजे से गया था हेयर कट कराने, पता नहीं दाढ़ी वाड़ी बनाने, तो अभी ये टेस्ट करके बताएगा दाल गोश्त। मैंने इसके लिए ही बनाई हूँ, इसका बहुत मन था दाल गोश्त खाने का। कैसा बना है? कल कभी आई हूँ, कल फिर मैं सो गया, क्या जाऊँ शाम। अच्छा बना पंजाबी, अब बोलेगा नहीं कौन से भटियाले से मंगाए। शाहाना बावर्ची कैटरेस। अभी मैं खोलने वाली, अभी मैं खोलने वाली हूँ शाहाना कैटरेस। तो खास कर इसके लिए बनाई थी, इसको अच्छा लगा, मतलब सभी को अच्छा लगा, अच्छा बनाया था कुछ, एक नंबर बना था। तो बस अभी दाल और लेना है, सूखा सूखा क्यों खा रहे रहे। तो गाइस दाल गोश्त खा के हम लोग सब लंबे लाट हो गए, मस्त मजा आई आज तो दाल गोश्त खा के। मैंने भी खाई आज, थोड़ा ज़्यादा खाई गई इसकी झूठ बोल।